कोई पढ़ेंगे या ऐसे ही शुरू कर देते कुछ कोई बच्चे पढ़ेंगे वो किताब ऐसी पकड़ेगा किताब नहीं है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل جامعة زيب النساء للبنات کے مربی اور سرپرست اعلی فاضل گرامی مولانا معروف السلفی اور جلیل القدر ہستی حافظ منظر صاحب حفظہم اللہ جميعا اور قابل قدر معلمین اور معلمات اور عزیز طالبات اس نئے تعلیمی سال کے آغاز پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں شیخ فضیلت الشیخ کا استقبال کریں فضیلت الشیخ کا استقبال کریں میں آپ سبھی طالبات کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پورے اس نئے تعلیمی سال کے موقع پر آپ نئے جذبے اور نئے حوصلے اور نئے عزائم کے ساتھ آ جاتے ہیں اس نئے تعلیمی سال کا آغاز فرمائیں گے
This is like, but और पूरी मेहनत के साथ और मुकम्मल जिद्दोजहद, पूरी रग़बत, शौक, लगन, दिलचस्पी के साथ इस नए तालीमी साल का आगाज़ फरमाएंगे और अपने औकात की कदर करेंगे, वक्त की कदर करेंगे, वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस नए तालीमी साल का आगाज़ इंतहाई जज्बे और जोश के साथ करेंगी। अज़ीज़ तालिबात, आप सभी को सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात पर? इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दीन का इल्म हासिल करने के लिए, शरीयत इस्लामिया का इल्म हासिल करने के लिए, क़ुरान और सुन्नत का फहम अला मनहज सलफ सालेह, क़ुरान और सुन्नत का फहम सलफ सालेह के मनहज के मुताबिक हासिल करने के लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आपको मुंतखब फरमाया। अज़ीज़ तालिबात, आप जो इल्म हासिल यहाँ कर रहे हैं, ये कोई मादी इल्म नहीं है, बल्कि ये शरई इल्म है, एक रूहानी इल्म है। और मौजूदा दौर में ख़वातीन इस्लाम को, हमारी माओं और बहनों को और बेटियों को दीन का इल्म सीखने की किस कदर ज़रूरत है, वो आपसे भी और किसी से भी मख्फी और पोशीदा नहीं है। आज हमारी औरतों में, आज ख़वातीन इस्लाम में, इस्लामी माओं और बहनों और बेटियों में जो फसाद है, जो बिगाड़ है, जो बेरहरवी है, और जो जहालत है और लाइलमी है, और जो बिदात है, जो खुराफात है, जो तवहमात है, जो गैर शरी रसूमात हमारी माएँ बहनों और बेटियों में पाई जाती है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है, क़ुरान और सुन्नत का इल्म हमारी माओं के पास नहीं है, हमारी बहनों के पास नहीं है, हमारी बेटियों के पास नहीं है, दीन का फहम उसे हासिल नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मधुबनी शहर में काफ़ी अरसे से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और बहुत पहले मुझे याद है कि जब मैं ममलकत सऊदी अरबिया से वापस आया था, पहला सफ़र था हमारा, और जब मैं वापस आया तो गालबन आज से तकरीबन 25 साल पहले या 20 साल पहले का वाक़या है कि उसी मौके पर राघो नगर के अंदर हमारे शेख अज़ीज़ुर्रब साहब हैं, उनके हम असर थे वो हाफिज़ व मौलाना सनाउल्ला अलफैज़ी, जो मदरसा इस्लामिया के मदर्रिस थे, उन्होंने ये महसूस किया कि ख़वातीन इस्लाम में बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक इदारा माहदुल मुस्लिमात के नाम से कायम किया, जो आज भी मौजूद है। और वो भी पहले मैंने नहीं देखा था, और शेख जब मैं वहाँ से आया था तो मुझे एक दिन ख़ास तौर से दावत भी दी थी शेख कि इस मदरसे को तरक्की पर कैसे लाया जाए, और तआवुन के सिलसिले में गुफ्तगू की थी। फिर उसके बाद शेख इंतकाल भी कर गए या सिलसिला मुक़त्ता हुआ, बहरहाल। लेकिन अभी
एक साल पहले मुझे उस महद में जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन भी वहाँ फराहम है और बिल्डिंग भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौलाना तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जो आल औलाद है, मदरसा चलाने वाले जो उनके वरसा हैं, वो बदकिस्मती है कि उस इदारे में अब तक बच्चियों के लिए अरबी दर्जात अब तक कायम नहीं कर सकते, और सिर्फ दर्जा एक से लेकर जो प्राइमरी जो दर्जात है, इब्तदाई जो दर्जात होते हैं, दर्जा एक से अव्वल से लेकर दर्जा चहारों या पलियों तक वहाँ तालीम का गालबन मखलूत निज़ाम तालीम है गालबन। उसके बाद अभी माजी करीम में हमारे शेख हमारे साथी मौलाना मारूफ असलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि वाकई मधुबनी शहर के अंदर, और मेरे अंदर भी कभी ये बात महसूस मैंने नहीं की कि अपने इलाके में इस तरह का इदारा खोला जाए, मेरी जहन में भी बात नहीं आई। हालांकि मैं सऊदीया में था तो अगर चाहता तो बहुत कुछ कर देता उस ज़माने में, लेकिन नहीं कर सका। ये ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाह, अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है लेता है। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, हमारे ग्रामीण कदर साथी मौलाना फारूक मारूफ असलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने इस ज़रूरत को महसूस किया, और फिर अपने चंद रफ़का ये मौलाना अमीर हमजा साहब है, मौलाना नूरुद्दीन साहब है, हाफिज़ ज़करिया साहब है, और मौलाना अब्दुलरहमान साहब है, और मुझसे भी अपने चंद रफ़का जो साथी है और चंद मशायख से मुझसे भी मशवरा किया कि इस तरह का इदारा खोलना मैं चाहता हूँ। और हमारे ग्रामीण कदर हस्ती मौलाना हाफिज़ मंज़र आलम साहब, इनका वैसे इनकी कुर्बानी है तहफ़ीज़ुल कुरान करीम के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन असल ये जो जाता है हमारे साथी मौला मारूफ की तरफ लड़कियों के इदारे के हवाले से या खोलने के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने चंद साथियों और रफ़ा और मशायख के मशवरे से इस इदारे को कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह और तहिया के अज़्म मुहक्कम किया कि हमने अगरचे हमारे पास इदारे के लिए कोई अभी मुस्तकिल बिल्डिंग और इमारत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह इस इदारे को अपने इस इदारे को चलाने के लिए इन्होंने अपने घर ही के अपने मकान के चंद कमरों को खास कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद जारी है, ज़मीन फराहम है, और फिर मदरसा जामिया ज़ैबुन निसा लिल बनात की संग बुनियाद भी रख दी गई है, आप लोगों के इल्म है और पूरे लोगों के इलाके के लोगों के इल्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी का काम भी कुर्सी तक भी काम हो चुका है। अल्लाह से दुआ करें, आप सभी तालिबात अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सुबहानहू तआला से कि अल्लाह ताला इस इदारे को जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचाए, ताकि जो मकामी तालिबात है वो भी अपनी इल्मी तशनगी वहाँ बुझाएँ, और साथ ही साथ बैरूनी जो तालिबात हैं जो अपने शहर के देही इलाकों या मधुबनी के अतराफ और अकनाफ की जो बच्चियाँ हैं जो ख्वाहिश रखती हैं, जिनके अंदर दीन का फहम हासिल करने का जज्बा है, दीन सीखना चाहती है, उनके लिए भी रास्ता हमवार, तो बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और जहाँ तालीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 3-4 साल के अरसे से, कितने सालों के से मुझे मालूम, 5 साल के अरसे से तालीमी सिलसिला जारी है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तायदे गैबी हासिल होगी, और इंशाअल्लाह ये इमारत की शक्ल में आप लोग तालीम के लिए वहाँ और तदरीस के लिए वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस कहना ये है कि ये इदारा जो खोला गया है, आप इस इदारे की कदर करें, आप यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। औरतों में आज जानते हैं कितनी खराबियाँ हैं, फसाद है, बिगाड़ है, अकायद की खराबियाँ हैं, अकीदे की कितनी खराबियाँ हैं हमारी बहनों के अंदर, हमारी माओं के अंदर, हमारे इलाके में, अपने इलाके की बात करते हैं जहाँ उलमा का बहुतात है, उलमा कसीर मकदार में, लेकिन आज जनाजे के मसाइल के हवाले से या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या शादी ब्याह के हवाले से गैर शरी रसूमात पर हमारी बहनों का अमल बहुत ज़्यादा है, अमल दरामद है उस पर, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो बच्चियाँ इस इलाके में तालीम इस इलाके की तालीम हासिल कर रही है, हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे के साथ और जद्दोजहद के साथ वक्त की कदर करते हुए आप इल्म हासिल करें, इल्म में इजाफा करें और अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, ताकि आप दावत अल्लाह का काम कर सकें। आप सही मानों में लोग औरतों में
दीन का काम कर सके, दावत अल्लाह को फैला सके, कुरान और सुन्नत की जो सही तालीमात है उसको नशर कर सके, और ख़ुद भी आप पर्दा की जो इख्तियार करती हैं बिल्कुल पर्दा इख्तियार करते रहें, जब भी गैर महरम के साथ इधर उधर ना जाए और मुकम्मल पर्दे में रहा करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग जो है तालीम हासिल करें। अला कुल हाल ये बात थोड़ी सी मैंने ज़मीनन मुकदमे के तौर पर कर दी है, लेकिन मौजू मुझे दिया गया है कि किताबुत तौहीद यहाँ के निसाबी तालीम में दाखिल है। किताबुत तौहीद के बारे में मुझे तो ये पता नहीं था, कि यही जानता था मैं कि किताबुत तौहीद जो शेखुल इस्लाम मुजद्दिद है गुजरे है, कहाँ के शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, जिनकी तरफ निस्बत करते हुए हमें कह देते हैं कि वहाबी है, हालांकि उनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था अब्दुल वहाब, तो मोहम्मदी होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहा गया। ये मुजद्दिद है, मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जो किताब है किताबुत तौहीद के नाम से मारूफ, और ये किताब इस किताब को अल्लाह ने शर्फ़ कबूलियत अता फरमाई, इस किताब को लोगों के यहाँ लोगों के पास उलमा के यहाँ कबूलियत आम्मा हासिल है, बहुत ही किताब मकबूल है, और ये किताब किताब व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन है, इसमें मसाइल का इस्तेखराज है, इस्तिंबात है। मैं जो अपने अजीज से ये गुजारिश करूँगा, दानिश अब्दुल्ला से, दानिश मारू से ये गुजारिश करूँगा कि इसी किताब को दाखिल निसाब किया जाए। अल्लामा शेख सालेह अल फौज़ान, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो शेख सालेह अल फौज़ान ने जो मुलख़्स की है, अलमुलख़्स ले किताब तौहीद ले शेख अल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, किताब की तौहीद किताब तौहीद की तलखीस है मोहम्मद बिन सालेह अल फौज़ान की, उसको दाखिल हिसाब किया जाए या फिर इसी किताब को रहने दिया जाए। ये किताब मैंने कहा इतनी इस किताब को मकबूलियत हासिल है कि इस किताब की शुरुआत मौजूद है, और अरब में मैंने देखा, गरचे मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, चूँकि हम लोग आनाब के मदरसे में जेर तालीम थे, वली मारूफ साहब भी, हाफिज़ ज़करिया साहब भी, हम लोग गलबा नहीं पढ़ पाए, ये सब पढ़े होंगे किताब तौहीद, लेकिन मैं सऊदी अरब में रहा तो वहाँ दर्स देता था इस किताब का। तो किताब तौहीद जो है ना बड़ी अजीम किताब है, वहाँ के उलमा मशायख को मैंने देखा, हत्या के बुजुर्गों को देखा, बड़े लोगों को, कि किताब के मतून तक उन्होंने हिफ्ज कर रखा, और किताब के जो मतून हैं, किताब का जो मतन है ना, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सारी अरबी में और कुरान और सुन्नत के दलाल से भरे पड़ेंगे, मसाइल तक उनको मालूम, मसाइल तक उनकी जबान तक आम है। तो किताब सुन्नत से मुज़य्यन किताब है, और किताब ये शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने उस वक्त ये किताब लिखी है जबकि, या उस वक्त वो पैदा हुए हैं, पहले वाइना शहर है, एक वाइना एक गांव, बस वाइना एक जगह, यानी उस ज़माने में करिया था, एक बस्ती थी, ये ममलकत सऊदी अरबिया में है, रियाज जो आसमा असमतुल ममलका है, ममलकत सऊदी अरबिया की राजधानी दारुल हुकूमत वहाँ से बिल्कुल करीब है, और वहीं हुरैमला है, वहीं दरिया है, जो जहाँ बिल्कुल मैं करीब, हुरैमला भी मैं गया हूँ और दरिया नहीं जा सका और वाइना भी नहीं जा सका, लेकिन हुरैमला में मैं वहाँ गया हूँ जहाँ गालिबन शेख रहमुल्ला की कब्र मौजूद है। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ऐसे वक्त में पैदा होते हैं जबकि वहाँ जहालात का, जलालात का, बिदात का, खुराफात का बोलबाला था, जाहिलियत उला बिल्कुल औत कर आई थी, जाहिलियत उला वापस आ चुकी थी, लोग अशजार की, अहजार की, दरख्तों की, पत्थरों की, कब्रों की परस्तिश करते थे बहुत ज़्यादा, फ़िक्र पर, फ़िक्र हम्बली पढ़ाई जाती थी, लेकिन अकीदे के नाम पर कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब जब वहाँ पैदा हुए तो पैदा होने के बाद उन्होंने अपने बाप अब्दुल वहाब से तालीम हासिल की, इब्तदाई जो तालीम है मवादियात उनको अपने वालिद साहब से पढ़ी, और फिर उसके बाद हुसूली इल्म के लिए, तलब हदीस के लिए वो हिजाज का सफ़र किया, मक्कतुल मुकर्रमा हरमैन शरीफ़ैन का सफ़र किया, और फिर नज्द के दूसरे इलाके में, ममलकत सऊदी अरबिया के दूसरे इलाकों में गए, अल अहसा वगैरह की तरफ, यमन के इलाके में, और वहाँ से इराक़ का भी सफ़र किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इल्म हासिल किया, हदीस पढ़ी, और उसके बाद उनको समझ में आया, वरना उस वक्त जानते हैं ममलकत सऊदी अरबिया के दीगर कब्रिस्तानों में भी कब्र को पुख्ता बनाया जा रहा है, कब्र जो पक्की बनाई जाती थी, कब्र पक्की बनाई, कब्रें पक्की बना दी जाती थी, और कब्रों की पूजा भी जा रही थी, और शजर व हजर की भी परस्ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश था। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की दावत शुरू की, तौहीद किताब तौहीद लिखी, और किताब तौहीद की दावत देते रहे लोगों को, लोगों को समझ में आई, और जिसके तौहीद की दावत के नतीजे में पूरे लोग जज़ीरतुल अरब के जो लोग थे वो इनके मुखालिफ हो गए, बहुत ज़्यादा मुखालफतों का इन्होंने सामना किया, और मुखालफतों पर और बहुत ज़्यादा अदियतों पर इन्होंने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, फिर अखीर में
ये दरिया के इन्होंने सफर किया, उस वक्त वहाँ थे, वहाँ के जो हाकिम थे अरबियत सऊदिया, सऊदिया उसी की तरफ नस्बत है, मोहम्मद बिन सऊद हाकिम थे उस वक्त, वहाँ जाकर इन्होंने तबलीग शुरू की। ले मोहम्मद बिन सऊद को समझाया कि दावत तौहीद क्या चीज़ है, अल्लाह की वहदानियत क्या चीज़ है, अल्लाह की रुबूबियत क्या चीज़ है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की मार्फत बतलाई। तो उन्होंने शुरू शुरू में मुखालफत की, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, मोहम्मद बिन सऊद की जो बीवी थी, बड़ी नेको सालिया थी, उनको शेख की बात बड़ी समझ में आई, शेख की बात बहुत ज़्यादा समझ में आई। और फिर उन्होंने रफ्तार रफ्तार अपने शोहर को, नेको सालिया थी, समझा करके अपनी तरफ मायल कर लिया, और शेख की दावत से भी वो भी मुत्तफिक हो। अब क्या था, शेख के पास इल्म का ख़जाना था, शेख के पास इल्म का ख़जाना था, और उधर मोहम्मद बिन सऊद के पास रुपयों पैसे का ख़जाना था। अब दोनों ने मिल करके मेहनत की, और पूरे जज़ीरतुल अरब में, हत्ता के मक्कतुल मुकर्रमा में, हरमैन शरीफैन में, काबतुल्लाह के अंदर चार मसल्ले कायम किए जाते हैं। कितने? चार मसल्ले कायम। हनफी की नमाज अलग होती थी, और शाफी की नमाज अलग, मालिकी की नमाज अलग, हम्बली की नमाज अलग। उनको उनका ख़ात्मा किया। फिर मोहम्मद बिन अब्दुल और शेखुल इस्लाम ने, और फिर उनके मोहम्मद बिन सऊद ने, उनके ख़ानदान वालों ने मिल करके कब्रें जो पक्की थी उनको गिराना शुरू किया। इस तरह से तौहीद का, शिर्क का ख़ात्मा हुआ। बुतपरस्ती या बिदात या खुराफात उनका ख़ात्मा हुआ, और तौहीद का बोलबाला हुआ। और आप देखते हैं आज ममलकत सऊदी अरबिया में आप देखेंगे जो अमन कायम है वो किस लिए, इसी तौहीद की वजह से। अल्लाह सुबहानहु तआला ने जो कुरान में कहा है, अल्लज़ीन आमनु वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ, जुल्म से मुराद शिर्क है, इसलिए कि शिर्क जुल्म अज़ीम है, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, अल्लाह ताला ने कहा। तो जुल्म के साथ नहीं, शिर्क अपने ईमान में और अपनी तौहीद में शिर्क की आमेज़िश नहीं की, तो अल्लाह ने कहा उलाइका लहुमुल अमन, उन्हीं के लिए अमन है। आप देखेंगे ममलकत सऊदी अरबिया में इस वक्त अमन अमान है, वहाँ कोई चोरी नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई खुल्लम खुल्ला शराबखोरी नहीं, कोई जुएबाजी नहीं, कोई नशा की आदत नहीं, और लोग बड़े पाकिजा साफ़ सुथरे होते हैं। आज भी पूरी दुनिया का आप मुकाबला करेंगे ममलकत सऊदी अरबिया को सामने रख करके, तो पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। और ममलकत सऊदी अरबिया में जो अल्लाह ताला ने उनको अमन अमान से नवाजा हुआ है और ऐशो इशरत से नवाजा हुआ, तो इसी तौहीद का थमरा है, तौहीद पर अमल करते हैं, इसलिए कि तौहीद वहाँ ममलकत सऊदी अरबिया में कहीं कोई मज़ार नहीं, कहीं कोई कब्र पक्की नहीं, कहीं कोई शिर्क का नारा नहीं, या गौस या अलमदद या ख्वाजा गरीब नवाज, इन तमाम चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं है मेरे भाई। तौहीद तौहीद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इनकी सदाएं गूंजती रहती है। रास्ते में चलेंगे, हमारे शेख अमीर हमजा साहब भी वहाँ जा चुके हैं, हाफिज़ मंजर साहब भी जा चुके हैं, शेख अब्दुल रब साहब भी जा चुके हैं, मुली मारूफ भी जाते रहते हैं, तो देखते हैं रास्ते में लिखा रहता है, आप बोर्ड नजर आएंगे, सब्बिहिल्लाह, कब्बिरिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, हाँ, अल्लाह अकबर कहो, हाँ, ये सब बातें कुरानी आयात आवेदन होती है, कुरानी आयात, ताकि इस्तग़फिर रब्बक, इस्तग़फिरिल्लाह, अल्लाह का इस्तग़फार करो, अल्लाह की से मग़फ़रत तलब करो, सारी ये जुमले कलिमात इंसान को याद दिला रहे होते हैं। तौहीद का मंज़र, तौहीद का बोलबाला, तौहीद का सब कुछ वहाँ, तौहीद का बोलबाला है वहाँ मेरे भाई। तो अब मेरी अजीज़ तालबात, ये जो किताब तौहीद है, तौहीद से ही ये किस किताब से समझ में आ जाता है, ये बात समझ में आती है कि ये मुकम्मल किताब तौहीद के मौजू पर है, अकीदे के बाब में, और अकीदे के मौजू पर ये किताब, किताब तौहीद जो है, अपनी मिसाल आप है, इस किताब की कोई नज़ीर नहीं है। इस किताब के अंदर जो शेख ने उसलूब इख्तियार किया है, वो उसलूब दूसरी तौहीद की किताब या अकायद की दूसरी किताबों में पाई नहीं जाती। इसलिए मैं अपने अजीज से दरख्वास्त करूँगा कि दानिश अब्दुल्ला से कि वो इस किताब को दाखिल करें, और ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एक ही साल में पूरी किताब को ख़त्म कर दें, दो तीन साल में इसको ख़त्म कराएं। और साथ ही साथ उलमा से गुजारिश करूँगा, मौलवीन से, कि वो इन किताब के जो, इस किताब के जो नसूस हैं या मतून हैं, उनको अपनी ज़बान, अपने बच्चियों के जहन में राशिक करवाएं। इसलिए कि सारे जो नसूस हैं, या तो किताबुल्लाह है ये आयतें हैं, या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात फरमुदात। तो अकीदा, जो अकीदे के मुतालिक मैं बात करके, शेख हमारे आ चुके हैं, वक्त भी नहीं है कि उसको बातें तुल की जाए। तो अकीदा, अकीदे की किताब है ये, अकीदे की किताब है। और अकीदा नेमतुत तौहीद जो है, या नेमतुल अकीदा सहीहा जो है, सही अकीदा, ये बहुत बड़ी नेमत, ये बहुत बड़ी नेमत है। तौहीद की जो नेमत
जो है वो बहुत बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर कोई नेमत ही नहीं, समझ रहे हैं। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नेमत तौहीद, ये अकीदे की जो नेमत है, अकीदे की जो नेमत है, यह तौहीद को जो की नेमत है, ये सबसे बढ़कर नेमत है। और इसी तौहीद पर दीन इस्लाम की असास है, असासुल इस्लाम है, असासुद्दीन है, दीन की बुनियाद, दीन का, दीन इस्लाम की असास इसी पर कायम है। और इसीलिए अल्लाह सुबहानहु तआला ने अपने बंदों को इसी तौहीद का हुक्म दिया। कुरान आप पूरे इसे पहली आयत इसमें आई हुई है किताब तौहीद में कि वलकद बअथना फी कुल उम्मति रसूला अन इबुदु अल्लाह वस्तनिबु तागूत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सबसे पहले इसी तौहीद का हुक्म दिया। मा आदम मा अमर अल्लाह, आदम मा अमर अल्लाह बिही अत्तौहीद व आदम मा नहा नहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अन्हु अश्शिर्क। अल्लाह ताला ने जो जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, अल्लाह ने तौहीद का जो हुक्म दिया वो सबसे अजीम है। अल्लाह ने तौहीद का सबसे पहले हुक्म दिया और शिर्क से मना किया। और अल्लाह ताला ने इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बात भी वादे किए कर देते, अल्लाह ताला ने इस बात को वादे भी किया कुरान मजीद में इसीलिए कि हमने तुम्हारी तख्लीक इसीलिए की है। और कुरान मजीद की पहली आयत आई कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कहा लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। फिर कहा जिन्नात इंसान की तख्लीक इसी तौहीद की बदौलत हुई है, इसी अकीदे, हत्ता कि जितनी कुतुब समाविया हैं, आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, या जितने रसूल आए 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं, वो सब इसी तौहीद की दावत देने के लिए आए। जो मैंने आज पढ़ी वलकद बअथना फी कुल उम्मतिर रसूला अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में ये रसूल को भेजा, ये पैगाम दे करके वो लोगों में ये दावत, ये ऐलान कर दें, ये पैगाम पहुँचाएं कि एक अल्लाह की इबादत। कुल्लु रसूलिन अव्वल मा युखातिबु कौमहु या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। जितने भी रसूल आए उन्होंने अपनी कौम को सबसे पहले जिस चीज़ का खिताब किया वो यही, या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। अल्लाह ताला ने हजरत नूह का जिक्र हो, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, हजरत हूद का जिक्र हो, हजरत वइला आदिन अखाहुम सालिहा वइला आदिन अखाहुम हूदा क़ाला या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम वइला मदयन अखाहुम शुएबा क़ाला या कौमी इबुदुल्लाह। सारी बड़ी जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितनी किताबें नाजिल हुई, हत्ता कि हमारी तख्लीक भी इसी इसलिए हुई, लिया इल्ला लियाबुदून ऐ लियुवहिदून, ये तफसीर की जाती है, और लियारिफून ताकि अल्लाह की मार्फत इंसान हासिल करे, यहाँ कर अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की तौहीद को जाने, तौहीद क्या है, तौहीद की तौहीद उलूहियत क्या है, तौहीद रुबूबियत क्या है, बहुत सारी बातें हैं। हमारे शेख आ गए और आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। बस मैं ये सिर्फ बात ख़त्म कर रहा हूँ एक बात कह करके कि अकीदा दीन हनीफ की अवलिन असास, अकीदा दीन हनीफ की, हनीफ की अवलिन असास है। इसको ईमानियात में वही हैसियत हासिल है जिस तरह इंसानी जिस्म में सर को हासिल है। सर, अगर सर को इंसानी जिस्म से इलाजा कर दीजिए तो इंसान का क्या हैसियत रह जाती है। इसी तरह से बगैर इस्लामी, बगैर सही अकीदे के इस्लामी ज़िंदगी का तस्वीर नहीं किया जा सकता। इंसान के सारे अखवाल अफाल, आदमी नमाज पढ़े, हत्ता के आदमी क्या करे, शहादत दे रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शहादत दे रहा है, और फिर ये भी गवाही दे, शेख बात खत्म पर आखिरी एक मिनट पर गवाही दे रहा, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, सदका खैरात भी करता है, ज़कात भी देता है, तिलावत भी करता है, लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है। आज देखे बरेलवी दूसरे मकातब फिक्र के लोग हैं, इस्तग़फ़ार खूब करते, नमाजें खूब पढ़ते, रोज़े खूब रखते, लेकिन अकीदा सही नहीं है, अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा सही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा सही नहीं है, तो सारे अखबाल आमान सब बर्बाद है, अल्लाह के यहाँ उसकी नजात नहीं है। इसलिए तब अकीदा को, अकीदा अहम है। हम आप तालबात से गुजारिश करेंगे कि आप अकीदे को सही ढंग से पढ़ें, उसको पढ़ें, उस पर मेहनत करें, और फिर आम ख्वातीन में तबलीग करें। अल्लाह ताला हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। बातें और थी लेकिन हमारे शेख चूँकि आए हुए हैं, अकीदे तौहीद की अहमियत को वादे करना था, और चलिए।